हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो देखिए कितनी टेस्टी चिकन बिरयानी बनाई है हमने और बहुत आसान तरीके से बनाई है। यहाँ हमने 2 किलो चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है और यहाँ हमने 4 बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काटा है। यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक मैंने भगोना लिया है, इसमें बिरयानी बनाएंगे। तो इसमें डाला है मैंने 1 कटोरा भर के तेल। तो बिरयानी है और ज़्यादा बना रहे हैं हम तो तेल ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेगा। तो हमने 1 कटोरा भर के तेल डाला है इसमें और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ये रिफाइंड ऑयल में यूज़ कर रही हूँ इसमें। और अब हम सारी प्याज डाल देंगे जो हमने काट के रखी है और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। और इस प्याज का इस्तेमाल हम करेंगे जब बिरयानी के ऊपर से डालते हैं बिरयानी बनने के बाद, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनेगी इससे। तो प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है, प्याज का कलर चेंज हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो अब इसको प्याज को हम प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे और इसका इस्तेमाल हम एंड में करेंगे। बिल्कुल सारी प्याज मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्याज निकाल ली एक प्लेट में और उसको रख दिया है साइड में। इसका इस्तेमाल हम करेंगे बिल्कुल एंड में। तो ज़्यादा प्याज मैंने निकाल ली है, थोड़ी बहुत अगर रह गई है तो इसमें कोई बात नहीं है। तो थोड़ी सी प्याज रह गई है तो इसमें अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जो लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भुनने देंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी बिरयानी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे भुन रहा है, इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो मैं इसमें अब 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। 2 चम्मच गरम मसाला मैंने पाउडर इसमें डाल दिया है। गरम मसाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिरयानी में डालना, वरना बिरयानी नहीं अच्छी बनेगी। और अगर घर का पिसा डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने यहाँ पे 6-7 हरी मिर्चें काट के डाल दी है। तो और मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल दूंगी और नमक डालने के बाद थोड़ा चला देंगे और सारे मसालों को अच्छी तरीके से भुनने देंगे। तो यहाँ फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और अब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, 5 मिनट लगा है मसाला भुनने में और अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने पहले से ही अच्छे से धो के रखा है तो मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर दूँगी। और ये चिकन यहाँ पे मैंने 2 किलो लिया है, बिरयानी मैं ज़्यादा बना रही हूँ, ये 8 से 10 लोगों के लिए बिरयानी बन रही है। तो चिकन भी ज़्यादा ऐड हो मतलब डाला जाएगा इसमें, चिकन कम होगा तो बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। तो अगर आप कम बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन आप कम डालें। तो अब चिकन को इस मसाले में अच्छे से भुनने देंगे, ढक्कन ढक के इसको भुनेंगे। तो यहाँ इसको हमने भुना है करीब 5 मिनट। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और चिकन को थोड़ा गला भी लेंगे इसी में, तो चिकन गल भी गया है इसमें। हमने 5 मिनट तक चिकन को भुना है मसालों के साथ में, चिकन गल गया है और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। और जो मैंने चावल बिरयानी का लिया है वो मैंने करीब 1 घंटा पूरा भिगो के रखा है, तो चावल कम पानी में ही बिरयानी तैयार हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 10 कप चावल लिया है और ये है नवाजिश चावल, इसको मैंने 1 घंटे तक भिगो के रखा है और 10 कप चावल है ये, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डाल दिया, डालने के बाद इसको चला देंगे और चावल अच्छे से फूला हुआ तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और चला के अब चावल पकाएंगे हम। तो पानी हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन का पानी इतना है कि इसमें बिरयानी आराम से बन जाएगी।
तो हम चावल को यहाँ चला देंगे और इस पानी में ही बिरयानी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। बस आप यहाँ पे नमक ज़रूर एक बार टेस्ट कर लें, अगर नमक कम हो तो नमक और डाल लें, क्योंकि अभी नमक अच्छे से इसमें मिल जाएगा और पकने के बाद नमक नहीं मिलेगा, बिरयानी बेकार हो जाएगी। तो यह मैंने एक नींबू का रस इसमें डाल दिया है। नींबू के रस से चावल एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनता है नींबू के रस से चावल। तो मैंने इसको यहाँ पे चला दिया है चावल को, और नमक भी यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लिया है, नमक भी इसका ठीक है। तो अब चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और डाल देंगे। तो हमने एक चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें और डाल दिया है, थोड़ा गरम मसाला पाउडर कम था चावल के हिसाब से तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे डालने से गरम मसाला पाउडर बिरयानी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, उसका अलग ही टेस्ट होगा। तो बस डाल के मैंने चावलों को चला दिया है अच्छे से, और यहाँ पे ढक्कन ढक के चावल को दम पे लगा लेंगे करीब 10-15 मिनट, ताकि चावल अच्छे से दम पे आ जाए। तो यहाँ पे चावल देखिए हमारा दम पे आ गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा सामान रह गया है इसमें डालने के लिए, तो वो और डाल के और उसको फिर से दम पे लगाऊंगी। तो एक बार मैंने फिर से चावल को चला दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है चावल को अच्छे से, ताकि चावल अच्छे से दम पे आ जाए सारा। और मैं अब इसमें डाल दूंगी ऑरेंज फूड कलर, थोड़े से पानी में घोल के मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया है, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था वो भी यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे। तो मैंने प्याज भी फ्राई करी हुई इसमें ऊपर से डाल दिए, अच्छे से डाल देंगे फैला के प्याज। और मैं अब इसमें डाल दूंगी केवड़ा वाटर, एक ढक्कन में केवड़ा वाटर डाल दूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। तो मैंने एक ढक्कन केवड़ा वाटर डाल दिया है, और अब इसको 5 मिनट तक दम पे और लगा लेंगे, और उसके बाद हमारी बिरयानी ये हो गई तैयार। ये बहुत टेस्टी बनी है। अगर आपको बिरयानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। थैंक यू।